हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। निगेटिव मार्किंग के साथ पीटी का होना और टफ क्वेश्चन के साथ क्या होगा कट ऑफ का आना आसान नहीं है। इस बार हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी अलग ट्रेंड का था, बिहार स्पेशल का क्वेश्चंस भी काफ़ी टफ था, साइंस का क्वेश्चन भी कमोबस टफ था, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर्स ईजी पूछा गया था। ऐसे में किसी भी हालत में कट ऑफ 100 को क्रॉस नहीं करेगा। अब आप जानना चाहेंगे कि कट ऑफ क्या होगा। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस प्रकार हो सकती है। अनरिजर्व्ड के लिए आप मांगा चल सकते हैं 95 से 100, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 90 से 95, EWS के लिए भी 90 से 95, EWS फीमेल के लिए 85 से 90, SC के लिए 80 से 85, SC फीमेल के लिए 75 से 80, EBS के लिए 80-85, EBC फीमेल के लिए 75 से 80 के आसपास, BC के लिए 90 से 95, BC फीमेल के लिए 87 से 92 के आसपास, BCL के लिए 85 से 90 के आसपास, डिजेबल्ड OH के लिए 70 से 75 के आसपास, डिजेबल्ड MD के लिए 68 से 73 के आसपास, ST के लिए 75 से 80 के आसपास एंड ST फीमेल के लिए 70-75 के आसपास होगा। यदि हम रिजल्ट की बात करें तो 5000 तक कुल कैंडिडेट्स PT में क्वालिफाई कर सकते हैं। यह पूर्णतः अनुमान पर आधारित है। एक दो दिन में कुछ भी चेंज नज़र आने पर हम फिर से रिवाइज्ड कट ऑफ ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।